आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट से उपचुनाव में आरएलडी से घोषित हुई प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद पार्टी समर्थकों में आक्रोश फूट चुका है। पार्टी पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन कर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अलीगढ़ की इगलास विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने के बाद प्रत्याशी सुमन दिवाकर समेत पूरी पार्टी में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। मंगलवार को प्रत्याशी समेत पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर गेट पर प्रदर्शन करते हुए सड़क पर बैठ गए। वहीं जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि रालोद ने पहले मुकेश कुमार को प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके बाद पार्टी ने मुकेश का टिकट काटते हुए नामांकन के अंतिम दिन सुमन दिवाकर के नाम पर मोहर लगाकर नामांकन कराया था। वहीं आरओ अंजलि कुमार ने बताया कि आरएलडी की प्रत्याशी सुमन दिवाकर द्वारा पर्चा दाखिल करते समय प्रारूप 26 शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। वहीं कॉलिंग नंबर फॉर्म में नहीं था। आगे उन्होंने बताया, समय अनुसार फॉर्म बी भी जमा न होने के चलते पर्चा खारिज कर दिया गया है। आज पूरे कार्यक्रम के मुताबिक समीक्षा का कार्यक्रम नियत था। 11 बजे हमने समीक्षा प्रारंभ की नाम निर्देशन पत्रों की। उसमें जो आरएलडी की प्रत्याशी श्रीमती सुमन देवी उर्फ सुमन माथुर थी, उनके द्वारा प्रारूप 26 पर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। जो प्रस्तुत था वो इनकम्प्लीट था, और जो उनके प्रस्तावक थे, जिस पोलिंग स्टेशन और सीरियल नंबर पर उनका नाम मेंशन किया गया था, उस पर उनका नाम दर्ज नहीं था। इवन उस पोलिंग स्टेशन के किसी भी सीरियल पर उनका नाम दर्ज नहीं था। तीसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैंडेटरी होता है कि वो फार्म ए और फार्म बी नामिनेशन के लास्ट डे पर 3 बजे के पहले उपलब्ध कराएंगे, ऐसा करने में वो असफल रही। मैं ऐसा है कि ये पूर्ण रूप से दादागिरी है, तानाशाही है, और कल हमारी प्रत्याशी सुमन दिवाकर ने, सुमन माथुर ने अपना पर्चा दाखिल किया और कल ही से इन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। ये जो चुनाव है, राष्ट्रीय लोकदल का मुकाबला ये करने की स्थिति में नहीं थे इस चुनाव में, उपचुनाव में, इसलिए ये इनके इन प्रकार पर्चा खारिज करने में कल ही से लगी हुई थी। पर्चा दाखिले में इन्होंने साजिश किया। हमारा जो शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट है और जो वी फॉर्म है लेने से मना कर दिया, उसमें दादागिरी दिखाई, पुलिस का इस्तेमाल किया और हमारे लोगों को बाहर निकाल दिया। पर्यवेक्षक से आपने शिकायत की तो पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक से हमने शिकायत किया। पर्यवेक्षक ने ये कहा कि हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे, और इन लोगों ने अभी हम लोगों को बुलाया, हमें उम्मीद थी, लेकिन नहीं, सत्ता के दबाव में ये जो तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र है, ये उसके एजेंट की तरह काम कर रहा है। और अभी पता चला कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं उनका पर्चा खारिज कर दिया, ये बगैर जनता के बीच में गए चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारी शिकायत को स्वीकार नहीं किया और बीजेपी के दबाव में आकर सरकार के तलवे चाटने के उनके द्वारा किए हुए कार्य आज मेरा पर्चा निरस्त करते हैं। तो क्या शिकायत क्या थी आपकी? मेरी शिकायत थी बस बी फार्मा इन्होंने लेने नहीं दिया जानबूझकर। मैं टाइम से 2:34 में उसमें अंदर पहुंच गई। मेरे लोग बी फार्मा कच्छ के पास गेट के पास लेकर खड़े थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की मुझे बी फार्मा अंदर ले जाना, पर उन्होंने तुरंत गेट लगा दिया और मेरे किसी को अंदर नहीं जाने दिया। तो निरस्त कर दिया क्या?